2019 के चुनाव में मोदी लहर एक बार फिर कायम हो गई। सदर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भोजपुरी स्टार रवि किशन शुक्ला ने गठबंधन प्रत्याशी राम भुआल निषाद से 3 लाख से ज्यादा वोटों से हराया। जीत मिलते ही भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। छासंग चौराहे पर कार्यकर्ताओं ने जमकर योगी मोदी के नारे लगाए। मंत्री युवा कल्याण उत्तर प्रदेश डॉक्टर विभ्राट चंद कौशिक ने कहा कि हम लोगों को आशा के अनुरूप जीत मिली है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने पहले ही कहा था अब की बार 300 पार। 81 सीटें छोड़कर पूर्वांचल की सभी सीटों पर क्लीन स्वीप किया है। 2022 में विधानसभा के चुनाव में पुनः एक बार योगी सरकार लाने जा रहे हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए उत्तर प्रदेश युवा कल्याण के दर्जा प्राप्त मंत्री डॉक्टर विभ्राट चंद कौशिक ने कहा हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी ने बहुत पहले कहा था कि अब की बार 300 पार और वही हुआ। हम लोग आप देख रहे होंगे लगभग 2:30-3 बजने वाले हैं इस समय और पूरे मतगणना की स्थिति साफ हो गई है। भारतीय जनता पार्टी अपेक्षा से भी ज़्यादा सीटें जीत रही है और उत्तर प्रदेश में भी हम लोग लगभग पिछले के लगभग 60-65 सीटों के करीब पहुंच रहे हैं। कुछ क्षेत्रों की मतगणना अभी बाकी है, बाकी स्थितियां साफ हो गई हैं। गोरखपुर में भी और बांस गांव में जो लोग कहते थे कि ऐसा है वैसा है, लेकिन आपने देखा कि लाखों वोटों से दोनों सीटें हम जीते हैं और विशेषकर परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के मेहनत से पूर्वांचल की लगभग एक आजमगढ़ को अगर छोड़ दिया जाए तो लगभग पूर्वांचल की सभी सीटों पर हम लोग क्लीन स्वीप किए हैं। यह महाराज जी का और उत्तर प्रदेश और भारत की जनता का मोदी जी और योगी जी के कार्यों के किए प्रति एक भरोसा है और जनता ने पुनः 2019 में हमको 5 साल का जनादेश का मौका दिया है। हम लोग इससे अब तक जो काम अधूरे हैं इससे बेहतर और अच्छा परिणाम करके दिखाएंगे और 2022 में जो विधानसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है हम लोग अभी से परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को पुनः एक बार योगी सरकार लाने जा रहे हैं। धन्यवाद।